वेलकम बच्चों, आज आपका ये 80 चैप्टर चलता है, हाइगेंस प्रिंसिपल का चैप्टर है आपका। और इसमें है पहला है तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या है? यदि माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचे कि उसमें सभी स्थित कण एक कला में हों, तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। जो हमने इस डायग्राम में, इससे जो पार्टिकल एक से एक प्लेन में हैं, एक एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उन्हें हम जो है प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। अब इसमें आ जाओ रे, किरण। किरण क्या है? तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची हुई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को व्यक्त करती है। इसे ही हम तरंग कहते हैं, इसे ही हम किरण कहते हैं। अब इसमें ये तो मैंने आपको बता दी किरण कैसे कहते हैं। क्या बताया? तरंग के अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को व्यक्त करती है, इसे हम किरण कहते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश स्रोत से सभी दिशाओं से चलने प्रकाश की चाल से चलता है। तरंगों के माध्यम इन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है और सर्वव्यापी माध्यम ईथर माना है। चूँकि ईथर का घनत्व बहुत कम होता है और उसका काल्पनिक माध्यम में प्रकाश तरंगों में चलता है और ये तरंगें आंख पर रेटिना पर गिरती हैं और वस्तु हमें दिखाई देती है। ये हाइगेंस तरंग का सिद्धांत है, ये मैंने आपको बता दिया। हाइगेंस तरंग की थ्योरी यह है। अब इसमें इससे ही बनता है हाइगेंस तरंग का द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत। द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत क्या कहता है आपको? सिद्धांत ये बताता है कि माध्यम में तरंग के संचरण के लिए निम्न परिकल्पनाएँ हाइगेंस ने बताई। पहली परिकल्पना बताई, जब माध्यम में प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो उसके चारों ओर कण समान कला में कंपन करते हैं, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, तरंगाग्र पर प्रत्येक कण जो नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, इसे हम नई तरंगों की दिशाओं में चलते हैं। इन तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम में शो कर दिया। किसी भी कण पर तरंगिकाओं का वो स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचें तो नई तरंगिकाएं व्यक्त करती हैं, जो हमने इस चित्र में शो कर रखी हैं। ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत इन तरंगाग्र गोले तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। तरंगाग्र क्या होता है? माध्यम के सभी कण एक कला में होते हैं, तो उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र शुरू में बिंदुवत होता है, आगे चल के समतल तरंगाग्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत है। इसके बाद आगे चल। हेलो बच्चों, अब इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश की तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। हमने क्या है, एक हमने परावर्तक पृष्ठ लिया, इस पर हमने प्रकाश डाला और ये प्रकाश इस तरीके से परावर्तित होता है। जब प्रकाश आपतित होता है तो उसमें समतल तरंगाग्र आपतित होता है, तिरछे पृष्ठ के रूप में समतल तरंगाग्र आपतित होता है और उसमें सभी कण विभिन्न कलाओं में टकराते हुए उससे फिर दूसरी दिशा में चलते हैं, जो परावर्तित तरंगाग्र के रूप में वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये हमारा आपतिक तरंगाग्र हुआ, ये हमारा परावर्तित तरंगाग्र हुआ, ये आपतन कोण हुआ, इसके साथ ये आपतन कोण हुआ, ये हमारा परावर्तन कोण हुआ, ये भी हमारा परावर्तन कोण हुआ। ये दो अभिलंब हैं, ये भी अभिलंब है। जहाँ पर प्रकाश गिरता है तो अभिलंबवत होता है, तो अभिलंब जो जिस कोण पर गिरता है उसे आपतन कोण, जिससे परावर्तित होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, तो अब इसमें हमें इस बात को ही बताना है। क्या बताएंगे? माना जेड जेड एच एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है और इसी क्षण अनेक बिंदु पर स्पर्श करता है और तरंगाग्र चाल V से चल कर के टी सेकंड में E' बिंदु पर स्पर्श करता है और इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएँ V चाल से
फैलने लगती हैं और बिंदु बी से ए तक जाने में जो जो दूरी होती है बी ए डैश इक्वल टू वी इंटू टी अर्थात ए बी डैश वी टी। इसी प्रकार से इससे यहाँ जाने के लिए बी ए डैश इक्वल टू बी ए डैश वी टी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम इन बिंदुओं को केंद्र मान करके बी ए त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं ए डैश बी डैश लगाते हैं। अतः ए बी आपतित समतल तंगाग्र है और ए डैश बी डैश परावर्तित समतल तंगाग्र है। तो इसमें हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी ए ए बी ए डैश ए बी ए डैश और ए बी ए डैश। ओके, तो अब इसमें डैश है, यहाँ भी डैश है, ये शुरू में ले लेंगे डैश। तो अब इसमें साइन आई इक्वल टू क्या होता है बी ए डैश अपॉन ए डैश वी टी अपॉन ए ए। अब इसमें परावर्तन कोण निकालेंगे साइन आर, साइन आर इक्वल टू क्या होता है ए ए डैश अपॉन ए ए डैश ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या होती है वी टी, इसकी वी टी वैल्यू रख देंगे। तो इसको अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड वी टी से वी टी कटेगा ए डैश से ए डैश तो वन अपॉन वन, तो साइन आई इजकल टू साइन आर, तो आई इजकल टू आर, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर हो गया। तो ए डैश ए बी और ए डैश बी डैश जेड जेड डैश एक ही तल में है, इसे ही परावर्तन के नियम कहते हैं। इसे आप अच्छी तरह याद करना और यथा समय फिर आपसे हमारी कल भेंट पुनः होगी। ओके।